may i kindly request bhairavi to please uh, come on the stage and uh, grace this occasion and we we'll all, we'll all will, would love to hear uh, some uh, very, very inspirational and insightful uh, words from him. so please uh, welcome him with a very, very big round of applause. thank you. ई क्यू पब्लिकेशन के द्वारा सोलर अवार्ड देने का आज ये कार्यक्रम इसमें उपस्थित पब्लिकेशन के सी आनंद गुप्ता जी मेरे मित्र और सोलर के बहुत अच्छे इंटरप्रेनर मनीष गुप्ता जी सभी राजस्थान से और राजस्थान के बाहर से आए हुए सभी डेलीगेट्स आज मुझे कहते खुशी है और मैं ई क्यू पब्लिकेशन से भी कहना चाहूँगा कि 14 सितंबर से ले 14 अक्टूबर तक हिंदी मासिक चल रहा है पूरा महीना हिंदी को प्रमोट करने के लिए यह है तो आप भी थोड़ा इसमें हिंदी का वर्ज़न डालेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा यूक्यू इंटरनेशनल पब्लिकेशन जिस तरह हर वर्ष एक अवार्ड देने का काम किया है और अपने पब्लिकेशन में जितनी भी कम्पियाँ लिस्टेड है उन कंपनियों का आगे बढ़ाने का काम प्रमोट करने का काम ये पब्लिकेशन कर रहा है पर मैं साथ में सभी एंटरप्रेन्योर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस ईक्यू पब्लिकेशन से जुड़े हुए जब तक ये एंटरप्रेन्योर्स नहीं जुड़ते तो पब्लिकेशन कुछ नहीं कर पाता तो दोनों को एक एक ग्यारह बनने का जो काम किया है और आज हम देखें कि सोलर में जिस प्रकार की जो क्रांति आई है आज पूरे भारत में पहले एक टाइम ये था कि बिजली आती कम थी और जाती ज़्यादा थी पर सोलर के आने के बाद में कहीं कोई बिजली की समस्या नहीं रही है हर जगह बिजली की उपलब्धता है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे इसको सोलर को बढ़ाने का जो काम किया है और मनीष जी और जितने भी इनके मनीष जी से जुड़े लोग जो इसमें इंडस्ट्री में हैं इनके साथ जो भी इनकी समस्याएं आती है तो चाहे वो ऊर्जा मंत्री से आर के सिंह से मिलने की बात हो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी से मिलने की बात हो हर दृष्टि से सोलर में जो काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हो उसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहता है और क्योंकि जयपुर का प्रथम सेवक होने के नाते जयपुर में किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं रहे इसके लिए मैं काम करता रहता हूँ आज भी यहाँ पर इस गुलाबी नगरी में ये कार्यक्रम हो रहा है मनीष जैन मे कहा कि मैं जरूर चलूँगा और जो भी लोग आए हैं चाहे वो स्टेट से आए चाहे स्टेट के बाहर से आए उनका इस नगरी में गुलाबी नगरी में मौसम भी गुलाबी होने जा रहा है धीरे धीरे इस गुलाबी नगर में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पर इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी भी काम में चाहे वो इंटरप्रेनर हो, चाहे वो प्रोड्यू प्रोडक्शन में हो, चाहे वो सेल सेल सेल्स के डिपार्टमेंट सेल में हो, उनको अपने काम में पूरी ईमानदारी से काम करें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ये मैं कह सकता हूँ आप पब्लिकेशन के साथ साथ यहाँ पर जो पूरे दिन से आज विचार मंथन हो रहा है इस विचार मंथन में क्या आप लोगों को तकलीफें है आई हैं क्या आपके आपसी डिस्कशन से यहाँ पर काम पूरे हो पाए हैं लोगों के जब तक आपसी डिस्कशन नहीं होता है आपसी समन्वय नहीं बन पाता है तब तक कोई काम का समाधान हो नहीं सकता आज इस डिस्कशन में आपका समाधान भी हुआ होगा और जो भी कोई बात आई हो उसके लिए आप मुझे मेरे लायक कोई काम होगा चाहे वो राजस्थान सरकार से हो चाहे वो भारत सरकार से हो आपका कोई भी बात होगी तो उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और आश्वस्त नहीं पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि आपके काम में किसी प्रकार की क्योंकि इस जिस प्रकार से ये जो राइ जो हो रहा है जिस प्रकार से जो बढ़ रहा है सोलर का काम और आगे बढ़े और भारत आज चाइना इसमें अपनी दक्षता हासिल कर रहा है पर भारत भी उससे कम नहीं है और भारत और आगे बढ़े इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा आपके काम को आपकी बात को आगे बढ़ाने पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपकी बात करनी हो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर कि आपका सहयोग करने का काम करूँगा मैं आनंद गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में मुझे भी, भी मुखातिब होने का अवसर दिया है और आप लोगों से मिलने का अवसर दिया है मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा और जिन भी लोगों को अवार्ड मिल रहा है उनको मैं तरफ से अग्रिम शुभकामना देता हूँ कि इस बार जो आपको अवार्ड मिला है और आगे आने वाले साल में और इससे बेहतर काम आप करें और बेहतर अवार्ड आपको और अच्छा मिले तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा एक इसके साथ ही आग्रह करूँगा कि कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने इन आठ वर्षों में हर क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है उसमें भारत को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया हो आपके चाहे वो सोलर का हो चाहे और कोई भी इंडस्ट्री का काम हो इवन अभी कोविड में भी एमएसएमई को जिस प्रकार से बढ़ावा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का काम किया उनका जन्मदिन कल सत्रह अक्टूबर सितंबर से लेकर दो अक्टूबर तक एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है तो आपके भी मानंद गुप्ता जी आपको आग्रह करना चाहूँगा कि आपकी इस पब्लिकेशन में प्रधानमंत्री का ज़रूर उसमें जन्मदिन का बात आए और सभी इंटरप्रनर्स यहाँ पर बैठे हैं इनसे भी आग्रह करूँगा कि अपने अपने जहाँ भी कार्य क्षेत्र है उस पर 17 अक्टूबर से 17 सितंबर से लेकर कल से लेकर 2 अक्टूबर तक जो महात्मा गांधी की जयंती है वहाँ तक अपने क्षेत्र में एक मानव सेवा का काम सेवा का काम जरूर करें क्योंकि ये सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जन्मदिन नहीं ये सेवा के रूप में मनाया जा रहा है आप किसी भी रूप में सेवा करें चाहे वो ब्लड डोनेशन लगा के कर सकते हैं वृक्षारोपण लगा के कर सकते हैं और कोई कार्य करके दिव्यांगों के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए कर मदद हो सकती है तो इस प्रकार का भी एक कार्यक्रम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में हम उपयोगी साबित होंगे मैं आपको इस अवसर पर सभी आयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत भी करता हूँ अभिनंदन भी करता हूँ और अवार्ड के लिए आपको अग्रिम बधाई भी देता हूँ इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद